जैसा कि हमने आपको बताया हम आपको दिखाएंगे सीता कुंड जिसके बारे में काफ़ी ख्याति है यहाँ पर सीता उद्यान और सीता कुंड है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कुंड है ये यहाँ पर काफ़ी जाना जाता है और क्यों है क्या इसकी खासियत है या क्यों इतना प्रसिद्ध है इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से आइए बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं उनसे बात करेंगे सर आपका परिचय मैं राजेश चौधरी रुन्नी सैदपुर से मेरी धर्म पत्नी गुड्डी चौधरी 2005 से 15 तक एमएलए रही एनडीए गठबंधन से सर इस कुंड के बारे में थोड़ा बताएंगे सीता कुंड जो है देखिए हम लोग सामाजिक कार्य करता है और यहाँ जो भी संत महात्मा आते हैं जो भी मैंने अभी से नहीं आज़ादी से पहले की बात से कर रहे हैं तो इस कुंड का दर्शन जरूर करते हैं और उसका जल जरूर छिड़कते हैं इधर कालांतर में जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जब आने लगे तो उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला दे करके और उसमें उद्धृत है उस वाक्य संस्कृत में वो वाक्य वाचन किए जो हमको स्मरण नहीं है और उन्होंने कहा जे सीता जी का जन्म इसी कुंड से हुआ है और उसका इसका प्रमाण है और यहाँ के ग्रामीण माने सभी लोग बताते हैं जो जब बहुत सुखार होता है तो भी उस जगह उस कॉर्नर का पानी नहीं सूखता है तो उस कॉर्नर का पानी बता रहे हैं वही कॉर्नर अच्छा उस हाँ वो वो जो कॉर्नर है वो दक्षिण और पश्चिम कोना का वो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर पानी नहीं सूखता है और सीता जी का जन्म यही हुआ था जब जनक जी हल चला रहे थे उस समय आ, सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ और फिर उनको प्रणाम किए और उनको अपने गोद में लेकर के जनक जी जनकपुर चले गए और काफ़ी बारिश हुई यहीं पे उनका हलेष्टि यज्ञ समाप्त हुआ और उसके बाद अति अतिवृष्टि हुआ जब बाढ़ पानी नहीं आ रहा था उस समय वो हलेष्टि यज्ञ किए और उसमें जब यहाँ आकर के और सीता जी का जन्म हुआ उसके बाद अतिवृष्टि हुआ और वापस जनकपुर चले गए सीता जी को गोद में लेकर के तो ये है इस कुंड की महत्व बातें हैं जो बता रहे हैं आप कुछ बताएंगे इस कुंड के बोलो सीता मैया की जान की जन्म भूमि की मिथिला धाम की देखिये प्रभु हम अगर बताएंगे तो पांच मिनट समय इसमें लेंगे बताइए बताइए देखिये माँ का धरती जो ये है पुंद्र ऋषि आश्रम है पुंद्र ऋषि यह धरती पर तपस्या करते थे रावण को दूत ने आया पुंद्र ऋषि से बताया रावण के दूत की बाबा रावण की आदेश है तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा पुंद्र ऋषि ने बताया रावण के दूत हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं हम रावण को टैक्स देंगे कहाँ से तुम चले जाओ आपस रावण से जाकर कह देना हम चार ऋषि जंगल में चार जग भजन करते हैं हम लोग रावण का टैक्स नहीं देंगे रावण को दूत आपस हो गया रावण को पास गया रावण ने बोला सबसे टैक्स लिया उन्हें बताया सबसे टैक्स लेकर लंके में जमा करवा दिया चार गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं वो टैक्स देने से इनकार गया अगर रावण ये बात को मान जाता तो ये माँ का धरती नहीं बनता माता धरती से जन्म उधार नहीं होता रावण ने बोला हमें राज में ऋषि क्या भक्ति करेगा भगवान भक्ति करता होगा हम टैक्स नहीं मानेंगे तुम जाओ वो ऋषि से टैक्स लेकर आओ रावण जैसे आदेश दिया ये माटी का नया घड़ा लिया माटी का ढक्कन रावण को दूत दोबारा पहुँच गया पुंद्र ऋषि के पास पुंद्र ऋषि से जाकर बोला ये बाबा बार की बार रावण की आदेश है तुम्हें टैक्स माफ नहीं होगा पुंद्र ऋषि ने बताया रावण के दूत तेरे कहना भी ठीक है रावण को राज में बसे हैं जो कहेगा वो काज करना पड़ेगा आओ रावण को कर हम देते हैं रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया बाबा ने अपने हाथ से उड़ी चीरकर घरे में कर दे दिया दूसरी बाबा लंग गया वो भी दे दिया तीसरी बाबा लंग गया वो भी दिया चौथे बाबा दे दिया चौथे बाबा ने बताया रावण के दूत तो अब हमरे बात तुम सुनो चौथे बाबा का नाम खरकमुनि ऋषि है खरक ऋषि ने बताया रावण के दूत तो अब हमरे बात तुम सुन लो ये घड़ा ढक्कन लगा कर बंद करके हम तुम्हें देता है अब ये तू घड़ा उठाओ रावण के पास जाओ रावण से जाकर कह देना एक घड़ा रावण को विनाश कर देगा रावण को दूध घड़ा उठाया मुड़ी पड़कर रावण को दिशा चल दिया ये जाते जाते रावण को सामने पहुंच गया घड़ा उतार कर रावण को नजदीक में रखा रावण ने पूछा घड़ा में क्या लाया है उन्हें बताया घड़ा में कुछ न लाया इस घड़ा में सुंदर सामान लाया रावण ने बोला सुंदर सामान क्या लाया तूने बताओ उन्हें बताया चार साधु चिरकर यह घड़ा में बलट दे दिया चौथे साधु ढक्कन लगाकर बंद करके हमें बताया रावण के दूत घड़ा उठाओ रावण के पास जाओ रावण से जाकर कह देना घड़ा रावण को विनाश कर देगा रावण जैसे विनाश का नाम सुना ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हे प्रभु अब ये घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा अगर रावण लंका में भी विनाश हो जाता फिर भी यह धरती से माता जानकी को जन्म उधार नहीं होता रावण अब इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं सोच रहे हैं कि हे प्रभु अब ये घड़ा हम लंका में न कर हम किसी दूसरे को राज में जादी गड़वाते हैं उन्हें राज विनाश हो जाएगा रावण फायदा में बचेगा जैसे रावण ये बात को सोचने लगे सोचते हुए रावण का एक समय याद आ गया बहुत पीछे की बात है शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे रावण पहुँचे थे दोनों आदमी पहुँच कर ये प्रवचन को सुने सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया कि रावण तुम अपनी प्रवचन सुनाओ तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया जनक महाराज उत्तर किया धरती पर रावण हार गया रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है न कोई बड़ा ज्ञानी है साधारण बात से जनक तुम धरती पर हरा दिया याद करके रखो जनक आज से हमें तुम्हें यह धरती पर दुश्मनी बैठ पैदा हुआ हम किसी भी मौका समय तुमको पाएगा यह धरती पर महाराज जनक बदला सधाएगा कह कर आज हम लंका जाते हैं लंका चला गया आज रावण को याद आया है यही शराब की घड़ा जनक को राज में गड़वाते हैं जनक को नुकसान करेंगे रावण फायदा में बचेंगे यही धरती है जिस धरती पर खड़े हैं यह धरती से दस कदम उत्तर तालाब की कोना नजदीकी उत्तरवारी पूर्वारी कोना है जिस कोना से रावण ने अपने रथ से भेजकर अपना दूध का रात में जमीन खोदवा दिया जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया हलवा कर महाराज जनक महाराज रावण को आदमी आपस चला गया बारह साल के लिए जनक का राज में अकाल पड़ गया जब अकाल पड़ा तो यन के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया कुछ प्रजा बचा थोड़ा बहुत बच गया ये महाराज जनक से जनकपुर जाकर प्रार्थना किया महाराज जनक इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है आज तक तुम यह धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके महाराज जनक तुम अपने हाथ से यह धरती पर जग करके पूजा करके तुम्हें आकाश से बारिश उतारो पृथ्वी से अनाज उपजाओ प्रजा का जान बचाओ तुम्हें मिथिला का आगे बढ़ाओ अगर जादी तुम्हें मिथिला में प्रजा नहीं रहेगा कोई दुनिया वाले तुम्हें मिथिला का चर्चा नहीं जानेगा जैसे महाराज जनक को ये साथ प्रश्न किया गया महाराज जनक कल जोड़कर बोले हे प्रभु अवस्थय आपकी बात का पालन कल से शुरू हम करेंगे कल होकर महाराज जनक अपने मिथिला राज में घूमकर जग पूजा को शुरू कर दिया ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को दो चार पाँच साल बीत गया आकाश से वर्षा नहीं आया महाराज जनक जग कर रहे थे जो जिस जग में महाराज जनक को अकस्मा नहीं मिला महाराज जनक लाख जग करोगे लाख पूजा तुम्हारा राज्य में बारिश नहीं होगा महाराज जनक को यह बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ महाराज जनक बात को थोड़ा सा टाइम लेकर सोच रहे हैं विचार रहे हैं जब तक रावण जमीन के अंदर इधर घड़ा गड़वाया है ग्यारह बरस आठ महीना ये जमीन के अंदर में घड़ा को समय पूरा बारह साल में चार महीना बकाया था महाराज जनक को दोबारा या कसमाने आया महाराज जनक एक सवाल तूने और देता है यह सवाल को धरती पर पूरा करो तुम्हें मिथिला में बारिश होगा महाराज जनक ने कल जुड़ कर कहा कि हे प्रभु अवस्था आपको बात का पालन करेंगे जो आदेश दीजिए उस बात का मैं पालन धरती पर हम करेंगे महाराज जनक को अकस्मानी आ गया महाराज जनक तुम अपने हाथ से यह धरती पर हर चलाओ पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा तुम्हें राज्य में बारिश आएगा महाराज जनक के बात सुनकर जग को समाप्त कर दिया जग समाप्त करके महल के पास जनकपुर पहुँचे फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बुलाया बैठा कर दिया महाराज जनक ने बताया है प्रभु हमें चार देश का हमें ये दुनिया है चौंसठ कोष चौड़ाई का उत्तरे दक्षिणे हमें मिथिला धाम है छियानवे कोष लंबाई का हमें मिथिला धाम है उत्तर में हिमालय है दक्षिण में गंगा पश्चिम में गंडकी पूरब में कोशी नदी ये चारों का बीच हमें ये मिथिला धाम है बत्तीस कोष उत्तर है अड़तालीस कोष पश्चिम है और पूरब है और बत्तीस कोष दक्षिण है और अड़तालीस कोष पश्चिम है चारों देव को मुंह पर ये धरती हमें बराबर है कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल न बताया है महाराज जनक उत्तर में चलकर हर चलाओ पूरब में चलाओ दक्षिण चलाओ पश्चिम में चलाओ कोई देवता ऋषि वही जगह है जहाँ पे यही धरती है महाराज जनक के बात को सुनकर सोचने फिर लगे कोई देवता ऋषि नहीं बताया फिर बात को सोच रहे हैं फिर अकस्माने आ रहा है महाराज जनक तुम अपनी महल से तीन योजन पश्चिम चलो उ धरती पर हर चलाओ महाराज जनक जनकपुर से चल दिया आते आते जिस धरती को सीतामढ़ी नाम है कोई सीतामढ़ी नहीं तमाम दुनिया जंगल था महाराज जनक वो धरती पर पहुंचे उनका शाम हो गया महाराज जनक जंगल कटवाकर घर की झोपड़ी बनवाया रात भर महाराज जनक झोपड़ी में विश्राम लिया विहान खनी अपने आदमी को बुलाकर जनक आदेश दिया जनकपुर से पश्चिम एक जलेश जलेसर धाम है वो जलेसर से जमीन नापी करके ये धरती पर लाओ बाड़ा खुश जहाँ तुम्हें पुर जाएगा वो धरती पर चेन लगा देना तुम आकर हमें झोपड़ी में खबर करना महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है ये धरती जिस धरती पर खड़े हैं इसे डेढ़ कोस जमीन सामने उत्तर साढ़े चार किलोमीटर में है महाराज जनक ने को आदमी खबर किया महाराज जनक वो धरती को नाम हलेश्वर स्थान रख दिया महाराज जनक वहाँ पहुँच गया कैंप गिरा दिया अठासी हज़ार ऋषि को बुलाया माता सुनैना को बुलाकर वो धरती पर जग शुरू हो गया महाराज जनक को पाँच दिन हलेष्टी जग चला पाँचवा दिन समाप्त करके महाराज जनक वो धरती पर बिहान खनी सोना का हर बनवाया सोना का पालो बनवाया बैल को कंधे पर लगाकर डेढ़ कोस जमीन से जोत कर यह धरती पर आया है इस उतरवारी पुरवाड़ी कोना है तालाब का उस कोना से आपस हो गया महाराज जनक फिर चला गया डेढ़ कोस जमीन दूसरा मोर फिर लौटा दिया तीसरा मोर फिर दूसरा मोर लेकर आ रहा है जैसे यह धरती पर आया महाराज जनक फिर यहाँ से आपस हो गया अट्ठासी हजारी सी माता सुनैना हर का पीछे पंचकर्मा लगा कर ये धरती से रिटर्न हो गया फिर चला गया हलेश्वर स्थान तीसरा मोर आया है जैसे बैल को कोना से लभाया जमीन के अंदर घड़ा रावण जो गाड़ दिया था जिस घड़ा में हर का फार फंस गया बैल थोड़ा सा या टक्का बैल ताकत लगाया जमीन के अंदर से सात सखी सिंहासन है आठवा माता जानकी है जैसे धरती के ऊपर उछल कर आया आकाश से वर्षा हुआ फूल के वर्षा हुआ अठासी हजार ऋषि से धरती पर महाराज जनक नड़ा लगवा दिया बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय हो माता सुनैना उस धरती पर खड़ा है सात सखी सिंह जमीन के अंदर गुप्त हो गया माता जानकी रोना शुरू कर दिया माता जानकी को मा सुनैना गोद उठा लिया वो धरती से दस कदम माँ सुनैना लेकर आया महाराज जनक पुंद्र ऋषि से ले महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लिया पुंद्र ऋषि को दे दिया पुंद्र ऋषि ने बताया महाराज जनक बच्ची धरती से जन्म लिया तुम हमारे पाजामा क्यों कर दिया हम साधु हैं हम भगवान का भजन भक्ति करते हैं महाराज जनक ने कहा हे प्रभु बच्ची यहां वहां करने का एक आधार है एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था सारा कुछ जानकारी ये आप देख लिए किस तरह से माता जानकी का जन्म हुआ और जैसा कि साधु जी बता बता रहे थे माता जानकी के जन्म स्थान की वजह बताएं और किस तरह से माता जानकी ने जन्म लिया वो सारी कहानी इस कुंड के उस दक्षिण कोण पर है जो वहां पे बताया जाता है कि उस कुंड उस जगह पर का पानी कभी नहीं सूखता है और इसीलिए इसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है